हरिद्वार जिले की धर्मपुरी विधानसभा सीट से वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े गोपाल कन्नौज का आज एक दुर्घटना में उनके अपने गांव बजट्टा में निधन हो गया। गोपाल कन्नौज दोपहर में मनावर से अपने घर बजट्टा पहुंचे थे, इसी दौरान घर के बाहर बैठे थे और बताया जा रहा है कि घर के ऊपर छत पर चादर चढ़ाने का काम चल रहा था, उसी दौरान तेज आंधी में चादर गिरी और सीधे गोपाल कन्नौज के सिर और गर्दन में लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तत्काल बांकानेर के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ रास्ते में उनकी मौत हो गई। गोपाल कन्नौज के निधन से पूरी भारतीय जनता पार्टी में शोक की लहर छा गई। वे एक लोकप्रिय आदिवासी नेता थे और अपने पूरे जिले भर में उनकी एक अलग ही पहचान थी। वे संघ के कट्टर कार्यकर्ता थे। गोपाल कन्नौज वर्ष 2013 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और मनावर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए लगभग 38,000 वोट उन्होंने प्राप्त किए थे और ये भारी भरकम वोट के बाद उनकी एक बड़ी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी में दर्ज हुई थी। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें धर्मपुरी से अपना प्रत्याशी बनाया था, जहां पर वे कांग्रेस के पांचीलाल मेड़ा से चुनाव हार गए थे। गोपाल कन्नौज के निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत भारी क्षति पहुंची है। बांकानेर से गोपाल कन्नौज का शव मनावर लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद वापस उनके गाँव भेज दिया गया।